साक्षात पर ब्रह्म माना गया है। नमस्कार, मैं शिवानी दयाल आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। शिक्षक की गोद में उत्थान फलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जलता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक के बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीप भी से गुरु सदियों से होते आए, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज होते आए। शिक्षक से ही अर्जुन और एकलव्य जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से वह रावण भी कहलाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से वह रावण भी कहलाते हैं। हम सबने भी भविष्य में शिक्षक बनने का सो अवसर पाना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने पहले लगाना है। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे, अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे। इस समाज में हम भी अपनी शिक्षा दान करेंगे, इस समाज में हम भी अपनी शिक्षा दान करेंगे। धन्यवाद। आप सब भी रिपीट करिएगा, अनजान जगह अनजान शख्स अनजान बच्चों के बीच जो तुम्हारे विचलित मन को प्यार भरी पुचकार से शांत करवाता है वह शिक्षक कहलाता है। हर हार जीत में जो तुम्हें अच्छे बुरे का सबक देकर निडर होकर आगे चलने का हौसला दिखलाता है वह शिक्षक कहलाता है। छोटी मोटी गलतियों में जो तुम्हें डांट कर तो कभी पुचकार कर हंसते हंसते सही राह दिखाकर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है वह शिक्षक कहलाता है। एक छोटे से बीज को सींच कर पौधा, पौधे को सींच कर एक वृक्ष बनाता है वह शिक्षक कहलाता है, वह शिक्षक कहलाता है। कोशिश करना कि भविष्य में तुम ऐसा ही बनो, कुछ तो कम से कम उनके
को संतुलन तैयार करके बहुत सुना है। आने वाले राष्ट्र तैयार होना है, कैसे शिक्षक तैयार होंगे, तुम बनाओगे, जैसे तुम बनाओगे बच्चे वैसे।